आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब देवी देवता नाराज हो जाते हैं तो हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं, या यूं कहें कि अगर यह सब कुछ लक्षण आपके साथ घटित हो रहे हैं तो आपके घर के देवी देवता आपसे नाराज हो चुके हैं और वो आपको छोड़ चुके हैं। कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल रहता है कि क्या देवी देवता नाराज होते हैं। बिल्कुल होते हैं। क्यों होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, सारी बातें इस एक वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आप सभी का बहुत ज़्यादा ये सवाल आया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि हमें आपसे जुड़ना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, आप वहाँ जाइए और वहाँ जुड़िए, वहाँ आप मैसेज करिए, हम कोशिश करेंगे आप सभी को सभी का रिप्लाई करने की। आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये जो पेज है ये आपका अपना परिवार है, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो। MB रिकॉर्ड भक्ति आपका अपना चैनल है। एक या छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि जब भी आप कभी परेशान हो, कोई रास्ता दिखाई ना दे, किसी भी सवाल को मन में याद करो कि मेरा ये सवाल है, डायरेक्ट YouTube पर जाओ, MB रिकॉर्ड भक्ति सर्च करना है, MB रिकॉर्ड भक्ति। उसके बाद आपके स्क्रीन पर जो वीडियो आए, जो भी आपका मन करे वो वीडियो देख लेना, जो भी आपका मन करे, सिर्फ एक वीडियो, उस वीडियो के अंदर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये एक कोई मनगढ़ंत कहानी या बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा, नहीं आप लोगों का, आपने हमें बताया है, इसलिए मैं अभी जो नई वीडियो आ रही है उन सभी वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने वास्तविक टॉपिक पर, लेकिन ये बात मैं बता देना चाहता हूँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हो, आपका समय बड़ा कीमती है। देवी देवता कब नाराज होते हैं, मान के चलिए किसी और से नहीं, आप अपने आप से लेकर चलिए, अपने घर से लेकर चलिए। घर में कोई एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो किसी भी प्रकार से माता पिता की बात को नहीं मानता, पहले छोटी छोटी गलतियां करता था, लड़ाइयां करता था, मार पिटाई करता था, धीरे धीरे वो गलती थोड़ी सी बड़ी होने लगी, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, धीरे धीरे और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। पहले घर परिवार वाले उसको समझाते हैं, उसको संकेत देते हैं, प्यार से मनाते हैं, फिर घर परिवार वाले उसको डांट फटकार लगाते हैं, फिर वो अपने अन्य परिवारों को, रिश्तेदारों को पास बैठाकर उन सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। जब बात इससे भी आगे बढ़ जाती है तो कई बार माता पिता अपने बच्चों की पिटाई भी कर देते हैं, जबकि वो सब कुछ उनकी भलाई के लिए होता है। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आ जाता है कि वो बच्चा नहीं मानता, किसी का कोई आहत कर देने वाला कार्य कर देता है, किसी को मार देता है, फिर क्या होता है, प्रशासन द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको उठा लिया जाता है, जेल के अंदर सलाखों के अंदर उसको डाल दिया जाता है। क्यों हुआ ऐसा, माँ बाप ने अपना काम किया, परिवार ने अपना काम किया, लेकिन उसके बाद भी वो बच्चा नहीं माना और प्रशासन द्वारा उसको दंड दिया गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने घर पर पितरों की पूजा नहीं करते, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि पितर तीन पीढ़ी के होते हैं, पहली पीढ़ी में जब पितरों की पूजा नहीं होती तो 30% परेशानी आती है, दूसरी पीढ़ी को 75% परेशानी आती है और तीसरी पीढ़ी को 100% परेशानी आती है। जिस समय अगर कल तक आपका काम सही चल रहा था, आपके बाप दादाओं का काम ठीक ठाक था और आपके हाथ में कटोरा आ चुका है, आप भिखमंगे हो चुके हो, आप बैंकों से कर्जदार हो चुके हो, लोगों से कर्जदार हो चुके हो, तो आपकी तीसरी पीढ़ी चल रही है भाई। और अगर आपको इस समय खाने के लिए एक दाना भी नहीं है तो हो सकता है आपकी चौथी पीढ़ी हो। ये कोई दकियानुसी बातें नहीं है, ये सच्चाई है। जिन घरों में उनके पितरों की पूजा नहीं होती, उनके पितरों को भोजन, जल, कपड़े, उनको ठीक प्रकार से उनका पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध नहीं किया जाता, उनके पूर्वजों को कभी मुक्ति नहीं मिलती, वो मोक्ष के अधिकारी नहीं होते, या फिर वो अपने कर्मों के अनुसार अगली योनि में जाने के लायक नहीं होते, वो यहीं कुछ ना कुछ भटक रहे होते हैं। तो सबसे पहला कारण यही होता है कि जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती, उस घर में कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता, गुरुजन कोई भी निवास नहीं करता। एक साधारण शब्दों में कहूँ तो जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती वहाँ कभी किसी देवता का निवास नहीं होता, वो घर घर भी नहीं होता, वो एक खंडहर है, वो सिर्फ भूत प्रेतों की जगह है, और जहाँ भूत प्रेत होते हैं वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं होता। सबसे पहला यही कारण है, जिस घर के पितरों की पूजा नहीं होती तो देवी देवता उससे नाराज हो जाते हैं कि जो अपने पितरों का नहीं हुआ वो हमारा नहीं होगा। वो पहले उनको संकेत देते हैं, नहीं मानता तो फिर हाथ में कटोरा दे देते हैं। पितर दोष का यही प्रमुख कारण होता है कि वो आपको मरने तो देगा नहीं, लेकिन जीने भी नहीं देगा। ये सारी चीजें होती हैं, ये संकेत बताते हैं। जब पितर ही घर में नहीं है तो घर में कौन आएगा, नेगेटिव एनर्जी, और जब नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का तो कोई काम ही नहीं है, किसी प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आपके घर से बाहर हो जाएगी, फिर नेगेटिव एनर्जी आपके घर में तांडव करेगी, आपके साथ ऐसी ऐसी चाल चलेगी, आपको ऐसे ऐसे लुभावने प्रस्ताव देगी कि आप
समझ से बाहर हो जाएगी। दूसरा कारण होता है कि हम कई बार क्या करते हैं, अपने कुल देवी कुल देवता को छोड़कर किसी मेरे जैसे पाखंडी की बातों में आकर, हाँ ठीक है आप ये छोड़ो, मैंने उस देवी देवता की साधना कर रखी, आप भी उन्हीं की साधना करो। अब जब आपने पितरों की साधना नहीं की, अपने खुद के कुल देवी कुल देवता की साधना नहीं की, पितर कुल देवी कुल देवता ये तीन ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़ती हैं। पितर हमारे पूर्वज थे, वही तो पितर बने। कुल देवी कुल देवता जहां हमारे माता पिता गए थे, हमें पैदा होते ही जहां हमारे बाल उतरवाए गए थे, जहां हमारी धोक लगाई गई थी, जहां हमारे माता पिता ने शादी करके गठजोड़े की धोक लगाई थी, वही तो कुल देवी कुल देवता है। तीन शक्तियां हमारे जन्म से पहले हमारे साथ चल पड़ी। चौथे होते हैं हमारे इष्ट। इष्ट कोई भी हो सकता है, भगवान शिव, कोई भी माता रानी का स्वरूप, श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान, कोई भी हो सकता है इष्ट। इष्ट कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब आप अपने कुल देवी कुल देवता को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर किसी और देवी देवता की पूजा करने लगते हो, तो आपके घर की शक्तियां नाराज होकर आपका घर छोड़ देती है। या फिर आपने कुछ दिनों के लिए पूजा पाठ की और आपको अनुभव नहीं हुए, आपने नियम फॉलो नहीं किया, आपने कोई गुरु नहीं बनाया, आप बगैर पितरों को प्रसन्न किए किसी देवी देवता की सिद्धि पर बैठ गए और 2 महीने 4 महीने में उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला, फिर आप उन शक्तियों को कोसना शुरू कर देते हो, तो ये है गालियां देना। कुछ देखा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है गालियां देते हुए अपने कुल देवी कुल देवता को, खुद देखा है। और लोगों को की तो क्या कहूं, मैंने तो कुछ पुजारियों को सामने, भगवान के सामने खड़े होकर जिसकी वो दिन रात सेवा करते हैं, उसको गालियां देते हुए देखा है। वो प्रेम नहीं है भाई, वो कोई भाव भी नहीं है, वो सिर्फ आसक्ति पूरा करना है, वो सिर्फ मनोकामना के चक्कर में बैठे हैं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि के चक्कर में बैठे हैं, वास्तविकता का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। इससे भी दैवीय शक्तियां नाराज होती हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा कारण है जो आज फिलहाल हो रहा है, वो है धर्म परिवर्तन। जब हम, आप चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, जब आप अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में किसी के कहने से जाते हो, खुद से जाते हो ये अलग विषय होता है, किसी के कहने से जाते हो, या फिर जबरदस्ती आपका धर्म परिवर्तन, या फिर कोई लोभ लालच दे के आपका धर्म परिवर्तन किया जाता है, शास्त्रों में तो ये भी लिखा गया है कि जो धर्म परिवर्तन करता है उसको अश्रीपत्र नामक नरक में घोर यातनाएं दी जाती हैं अनंत काल तक। तो कभी धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जब आप धर्म परिवर्तन कर लेते हो तो आपके घर की शक्तियां नाराज होकर आपको छोड़कर चली जाती हैं। उसके साथ आजकल के युवाओं में ये करेज देखने को मिला है, मुझे तो यक्षिणी की साधना करनी है, अप्सरा की सिद्धि करनी है, मुझे तो शमशान की सिद्धि करनी है, मैं तो तांत्रिक बनूंगा, अघोरी बनूंगा, ये बनूंगा वो। जब आप कहीं ना कहीं से वीडियो देखकर, किसी गलत आदमी की संगत में पड़कर, या सिर्फ इस लोभ में कि 11 दिन में अप्सरा मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, फिर वो मुझे सब कुछ दे देगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। जब आप अपने घर की उन शक्तियों को छोड़कर अप्सराओं के पीछे उनके चक्कर में लगे हुए हो, तो ना तो आपको वो सिद्धि मिलती, ना घर के देवताओं की सिद्धि मिलती। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, आपकी वो हालत हो जाती है। और देवी देवताओं की शक्तियां आपसे नाराज होकर हमेशा के लिए आपके घर का त्याग कर देती हैं। और जिन घरों का त्याग देवी देवताओं द्वारा कर दिया जाता है, फिर उस घर में दोबारा कोई शक्ति नहीं घुसती। फिर आप मेरे जैसे पाखंडियों के पास, बाबा जी, गुरु जी, गुरु जी क्या करे भाई। जब आपने अपनी शक्तियों का ध्यान नहीं रखा, तो क्या कोई दूसरा, क्या कोई तांत्रिक भक्त हो या शोखा, कोई आपको आपकी शक्तियां दिला सकता है? कोई नहीं दिला सकता। मरना है तभी स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा तो मरना है। ये नहीं है कि मर मैं जाऊं स्वर्ग आपको मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा, क्लियर सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारी चीजें समझ में आ सके और वो भी ये गलतियां करने से बच सके। जय श्री श्याम।